हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। बच्चों आप इसको ध्यान से देखेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। बच्चों इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक पेड़ जो पेड़ है वह आंधी के दौरान टूट गया और वह झुक गया, टूटने के कारण वह झुक गया, इसलिए वह पेड़ का ऊपरी भाग जो जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के स्पर्श करने के बाद वह 30 एंगल का कोण बनाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट, तो बच्चों इसका मतलब यह है कि जो पेड़ का नीचे वाला भाग है उसके बीच की दूरी बताना है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड 8 मीटर, जो जमीन को स्पर्श कर रहा है बच्चों उसका जो ग्राउंड से वह 8 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो बच्चों हमको क्या करना होगा, इसमें एक हमको बच्चों बनाना है। पहले तो बच्चों नीचे हम यह जमीन दिखाएंगे, जमीन कहाँ पे है, तो जमीन नीचे होगी। अब इसके बाद बच्चों यह पेड़ है जो उसका ऊपरी भाग जो है टूट गया, जो है आधी के दौरान टूट गया, और यह टूट करके बच्चों जितना भाग नीचे ये जमीन पे हो रहा है वही चीज़ जो है इसको स्पर्श कर रहा है, उतने ही भाग उसको स्पर्श कर रहा है। तो अब बच्चों अब इससे कह रहा है कि ये कोण जो है बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है, एंगल 30 अंश का कोण बना, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बच्चों अब इसको हम नेम दे देंगे ए बी सी और डी। अब हमें बच्चों इसमें करना क्या है कि जो BC की जो ऊंचाई है, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पेड़ की ऊंचाई हमारी, ये पूरी पेड़ की ऊंचाई निकालनी है हमें। तो हमें बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले BC हम निकालेंगे, तो BC को हम मान लेंगे कि हमारा ये यक्स है। अब इसके बाद से ये जमीन पे जो स्पर्श कर रहा है, तो जमीन पर स्पर्श कर रहा है तो 30 अंश का कोण बना रहा है, और जिसकी ऊंचाई है कह रहा है कि टॉप टू द टचेज द ग्राउंड इट 8 मीटर। तो बच्चों ये जो जमीन पे जो बना रहा है कोण, तो यह जमीन को स्पर्श कर रहा है, तो जमीन को स्पर्श कर रहा है, और इसकी जो हाइट है टॉप द टचेज द ग्राउंड 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों 8 मीटर होगा, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको हम निकाल लेंगे, तो क्या होगा, तो बच्चों टेन, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री के लिए बच्चों हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो टेन 30 के लिए हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, टेन 30 के लिए निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये इंट्राई एंगल हमको लिखना पड़ेगा, इंट्राई एंगल इसमें लिखेंगे BAC में, BAC में, BAC में लेंगे तो टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा BC अपान AB। तो BC क्या है बच्चों, BC हमारा है यक्स है, और BC है हमारा यक्स, और AB क्या है बच्चों, AB हमारा है 8 मीटर है, तो यह हो जाएगा 1/√3 = x/8। तो ये हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा
अंडर रूट 3 यक्स बराबर 8, तो यक्स बराबर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर यक्स इक्वल टू 8 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला निकल गया 8 बाई अंडर रूट 3 हो गया। अब बच्चों हमको ये तो हमारा निकल गया, यक्स की वैल्यू निकल गई, यक्स बराबर क्या हुआ 8 अपान अंडर रूट 3। अब हमको निकालना है सी डी, तो सी डी जो होगा वही चीज़ जो जमीन का जो भाग टूट रहा है वही ए सी जो होगा सी डी के इक्वल होगा। तो इसके बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं यक्स बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा 8 अपान अंडर रूट 3। 8 अपान अंडर रूट 3 ये हमारी वैल्यू हो गई, इसकी दूरी हो गई ये जो है बी सी की, बी सी बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि इसको अब हमको कौन सा एंगल निकालना है, अब हमको निकालना होगा सी डी का। तो तब ए सी के लिए निकालेंगे तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी बच्चों हमको करना पड़ेगा ट्राई एंगल बी ए सी में ही लेंगे, इन ट्राई एंगल बी ए सी में ही लेंगे। लेकिन इसके लिए जब हम लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है ए सी के लिए, तो इसका बच्चों रेशियो क्या होगा, अब हमारा हो जाएगा ए बी अपान ए सी हो जाएगा। तो हम कास 30 की वैल्यू लेंगे, कास 30 इज इक्वल टू डिग्री, कास 30 इज इक्वल टू अब हम लिखेंगे कास 30 इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा बच्चों ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए सी की ही वैल्यू निकालनी है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और ए सी की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमको ए सी की वैल्यू निकालनी है और कास 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। तो ये हो जाएगा 8/AC, तो ये हो जाएगा बच्चों 8×2 तो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3AC इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसी को लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब बच्चों हमको करना है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई हमको निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा कि बी सी प्लस सी डी करना पड़ेगा। तो बच्चों हम फिर हमको यहाँ पे फिर हमको डस्ट करना पड़ेगा, यक्स इज इक्वल टू हम लिख देंगे 8 अपान अंडर रूट 3 है, 8 अपान अंडर रूट 3। तो अब बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, फिर डस्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा ए सी, ए सी की वैल्यू बच्चों जो होगा, ए सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी, जो भाग टूटा हुआ था वही जो होगा ए सी इज इक्वल टू क्या होगा सी डी हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा सी डी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू सी डी और सी डी की वैल्यू क्या आई है बच्चों 16/√3 आई है। तो यह हो जाएगा, हम जोड़ देंगे बच्चों, क्या करेंगे बी डी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू है यक्स, तो यक्स की वैल्यू क्या है बी सी यक्स है और सी डी क्या है बच्चों, सी डी की वैल्यू हमने निकाला ही है, ए सी जो इक्वल टू सी डी,
तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी, हमारा अभी बताया है 16/√3 हो जाएगा, और ये होगा 8/√3। तो यक्स की वैल्यू हमने अभी निकाला 8/√3 और प्लस 16/√3, तो ये बच्चों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/√3। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम रेशनलाइज में इसको चेंज कर देंगे, तो 24 × √3 और √3 में √3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 √3 और √3 = हो जाएगा 8/√3। इस तरह से बच्चों हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका आंसर आएगा 8/√3, क्योंकि बच्चों इसमें जो ए बी ए सी था वही जो है ए सी की जो दूरी है बच्चों वही सी डी, क्योंकि जो जमीन से जो टूट करके गिर रहा था वही सी डी की ही दूरी के बराबर होगा, तो इसलिए बच्चों ए सी जो होगा सी डी के इक्वल हो जाएगा, और ये और इसलिए हम जब निकालेंगे तो ये ए सी की वैल्यू जो होगी हम इसमें सी डी में राइट कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आपकी लाइफ के बारे में मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, कैसे आपका जीवन अच्छा रहे, कैसे आप अपने को जीवन को आगे बढ़ाएं। हमारे जो भी ऑडियंस हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी लोगों से मेरा यही, हमारे विद्यार्थियों से मेरा आग्रह निवेदन है कि मेरे प्यारे बच्चों अपना समय के अनुसार काम करो, समय के अनुसार हमको चलना है जीवन में, हमें समय के अनुसार चलना है, हमें अपनी पढ़ाई पे अपना फोकस करना है। सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock आप उठ जाइए, और बच्चों अपनी अपने जो पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है, अपने जो भी आपको रिवीजन वाला लर्न करने वाला कार्य बच्चों उस पर आप फोकस करें, उसको लर्न करें, अच्छी तरह से लर्न करें, समझ करके लर्न करें। मेरे प्यारे बच्चों, जो समय बीत जाता है फिर वापस नहीं आता है, तो मुझे समय पे विशेष ध्यान देना है और हमें अपने एग्जाम की तैयारी करना है। बच्चों इस समय जारी का समय आ गया है, आपको अपना एक एक मिनट अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं, सब कुछ आपको अच्छी तरह से करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अवश्य बताएं। आपको कहीं से भी हमारे क्वेश्चन में वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आता है बच्चों तो मुझे अवश्य बताएं, मैं आपका हमेशा सहायता करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा, और मेरा यही सपना है कि मेरे सभी बच्चे जो है हमारे चैनल को देखें, और जो भी हमारे ऑडियंस हमारे चैनल को देख रहे हैं सभी को मैं शुभ रात्रि, सभी को मैं आपका जीवन प्रसन्न रहे, आप खुश रहें। थैंक यू वॉच टू वीडियो।